क्या आप थोड़ा सा मूव करेंगे ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ? ही वेटेड फॉर एन आंसर बट नन केम. इंस्टेड द स्नेक क्लोज्ड हिज फ्यूरी आइज. फ्यूरी मीन्स फायर लाइक. एंड हिज टेल स्टॉप्ड मूविंग. जो पिनोकियो था वो स्नेक के आंसर का वेट कर रहा था, लेकिन स्नेक ने क्या करा, अपनी आइज बंद करी और जो उसकी टेल थी वो मूव करना भी बंद हो गई. नाउ टर्न द पेज. पिनोकियो थॉट परहैप्स इट वॉज डेड. परहैप्स मीन्स शायद. एंड ट्राई टू जम्प ओवर इट. जस्ट देन द सर्पेंट रोज अप सडनली लाइक अ स्प्रिंग, मेकिंग द पपेट स्टंबल एंड फॉल डाउन इन ग्रेट फ्राइट. अब जो पिनोकियो को लगा कि शायद ये जो स्नेक है वो मर गया है, और उसने ट्राई करा कि वो स्नेक के ऊपर से कूद कर चला जाए, लेकिन तभी क्या हुआ, जो सर्पेंट था, जो स्नेक था, वो खड़ा हो गया लाइक अ स्प्रिंग, और फिर जो पपेट था वो लड़खड़ाया और डर के मारे गिर गया. इट वॉज अ क्लम्सी फॉल. क्लम्सी मीन्स केयरलेस. फॉर हिज हैड गॉट स्टक इन द मड एंड हिज लेग्स वर अप इन द एयर. अब तो वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस फॉल थी. क्यों? क्योंकि जो उसका हेड था, पिनोकियो का जो हेड था, वो मड में फंस गया और जो उसके लेग्स थे वो ऊपर हवा में खड़े हो गए. द सर्पेंट फाउंड द साइट सो फनी दैट ही लाफ्ड टिल द Till he burst a blood vessel. Blood vessel means nas, जिसमें हमारा blood बहता है. And died. अब ये scene देखकर serpent जो था वो बहुत ज़्यादा हंसा. उसको ये scene बहुत ज़्यादा funny लगा, और बहुत तेज़ हंसने की वजह से जो उसकी blood vessel थी, जो उसकी nas थी, वो फट गई और वो मर गया. Pinocchio started to run again as fast as he could. He was now terribly hungry, so he jumped into an orchard to pick a few bunches of grapes. अब पिनोकियो उठा और वो दोबारा से रन करने लगा, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा हंग्री था, इसलिए वो एक ऑर्चर्ड में गया जहाँ ताकि वो थोड़े से ग्रेप्स के बंचेस उठा लें. ऑर्चर्ड मीन्स जहाँ पे फ्रूट्स के ट्रीज होते हैं, फलों का बगीचा, फ्रूट्स का बगीचा. ही हैड बेरली रीच्ड The vines when crack. Vines means लताएँ, ठीक है, बेल जिसके ऊपर ग्रेप्स के गुच्छे लटके होते हैं. अब जो पिनोकियो था वो वाइन्स पे पहुँचा ही था कि क्या होता है, वो जो वाइन्स थी वो टूट जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं. His legs were caught between two sharp pieces of iron. The poor puppet was caught in a trap. Trap means जाल. Set for an animal. He began to scream. Scream means chikhna, in pain, but there was no one to set him free. As night came on, the pain and the fear made Pinocchio faint. Faint means बेहोश होना. और जब क्या होता है, जब वो लताएँ टूट जाती हैं, बेल टूट जाती है, तो जो पिनोकियो के लेग्स होते हैं वो आयरन के टू शार्प पीसेस के बीच में फंस जाते हैं, और जो बेचारा पपेट था, बेचारा पिनोकियो, एक जाल में फंस जाता है जो कि एनिमल के लिए बिछाया गया था, एनिमल को पकड़ने के लिए बिछाया गया था. अब वो चीखना स्टार्ट कर दिया, उसको बहुत दर्द हो रहा था और वो पेन में चीखने लगा, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था जो कि उसको छुड़ा सके. अब रात हो जाती है और जो दर्द के मारे और डर के मारे पिनोकियो बेहोश हो जाता है. उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि वो अकेला था, और उसको बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था, दर्द भी हो रहा था, इसकी वजह से पिनोकियो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है. सम टाइम लेटर द ओनर ऑफ द फील्ड केम टू सी इफ ही हैड कॉट वन ऑफ द पोलकैट्स. पोलकैट क्या है? स्मॉल एनिमल्स जिसके डार्क ब्राउन हेयर होते हैं और उनके पास से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है. That were eating his chickens at night. He was surprised to see a little boy instead. अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, उस फील्ड का ओनर उधर आता है देखने के लिए कि कहीं कोई पोलकैट तो नहीं फंस गई है जाल में,
क्योंकि वो जो पोलकैट्स थी वो जो लैंड का ओनर था, फील्ड का ओनर था, उसके चिकन्स रात में आकर खा जाते थे। इस मारे जो ओनर था, जो लैंड का मालिक था, उसने जाल लगा रखा था उसको पकड़ने के लिए। मगर जब उसने देखा कि वहाँ पे पोलकैट नहीं है, वहाँ पे तो एक छोटा सा लड़का है, तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ। आह यू लिटिल थीफ, सेड द पीजेंट एंग्रीली, सो इट्स यू हु वाज ईटिंग माय चिकन्स। अब पीजेंट ने क्या कहा, उस फार्मर ने क्या कहा, पीजेंट मीन्स फार्मर, कि ये तुम हो लिटिल थीफ, ठीक है, और मैं तो सोच रहा था कि पोलकैट्स आके मेरी चिकन्स खा रहे थे, बट तुम आकर मेरे चिकन्स को खा जाते थे। तो उसको लगा, फार्मर को लगा कि ये पोलकैट्स उसके चिकन्स नहीं खा रहे हैं, पिनोकियो आके उसके डेली चिकन्स खाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।